हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एडिशन ऑफ प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेदर यू शुड प्रिपेयर फॉर गेट एग्जामिनेशन विथ योर एमटेक एंड इफ एट ऑल हाउ टू डू इट। तो कैसे करने हैं आपको प्रिपरेशन गेट की विथ एमटेक। बट सबसे पहला सवाल यही है कि करना चाहिए क्या। तो पहले कुछ सवाल पूछो खुद को कि जैसे अगर आप एमटेक के लिए जा रहे हो तो अगर मेजर अपग्रेड होने वाला है आपके लाइफ में, अगर नेक्स्ट टाइम गेट देखे तो ही गेट अटेम्प्ट करो। अभी मेजर अपग्रेड का क्या मतलब है मैं बताता हूँ कि अगर आप फाइंड आउट करते हो कि आप जहाँ पे एमटेक के लिए एडमिशन ले रहे हो इस साल, वहाँ पे प्लेसमेंट का एकदम ही खराब अवस्था है, प्लेसमेंट्स बिल्कुल है ही नहीं। और चाहे तो आप NIT में हो सकते हो, न्यू IIT में, ओल्ड IIT में, मैटर नहीं करता। ओल्ड IIT में होंगे तो आपको प्लेसमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे प्लेसमेंट का कोई चांस ही नहीं है, तब जाके गेट देना मतलब का है। उसके बाद अगर आप PSU टारगेट कर रहे हो कि आपका वो ड्रीम जॉब है PSU में जाना, वो अफसर वाली लाइफ जीना, तो गेट देना मतलब बनाता है। एक और एक चीज़ जो है जो आपको देखनी है वो ये है कि अगर आप एमटेक ही करना चाहते थे तो जिस इंस्टीट्यूट में आप हो वहाँ पे ये फाइंड आउट करो कि क्या आप कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हो किसी कूल प्रोफेसर के साथ, किसी कूल डिपार्टमेंट के साथ, कि जहाँ पे आप आपके पसंदीदा चीज़ पे काम कर पाओगे। अगर आप सिंपली इसलिए गेट दे रहे हो कि शायद आप थोड़ा 10 मार्क ज़्यादा ला सकते थे और उसी टाइप के IIT में कुछ और ब्रांच मिल जाती आपको, तो ये थोड़ा जो आपका माइंडसेट है वो चेंज करो। ये टारगेट करो कि क्या अभी आपके गेट स्कोर पे जहाँ पे आपको एडमिशन मिल रही है वहाँ पे आपको ये चांस मिलता है कई बार कि आप अलग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के साथ प्रोजेक्ट कर सकते हो। दैट इज़ एक्चुअली करियर डिफाइनिंग। तो ये कुछ सवाल आप खुद को पूछ सकते हो और उसके बाद ये डिसीजन लो कि हाँ मैं गेट के लिए प्रिपरेशन करूँगा। अभी आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कि क्या गेट की प्रिपरेशन हो सकती है एमटेक के साथ। इसका जवाब है हाँ, हो जाती है। सिर्फ गेट की नहीं, लोग IES IAS मतलब UPSC के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। और मेरे बैचमेट्स खुद मैंने देखे कि जो ये सब करते थे। अभी कौन सी चीज़ें फेवर में वर्क करती है प्रिपरेशन करने वाले लोगों के, तो सबसे पहली बात कि आपको एमटेक में टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन करने का। और एट दी एंड आप तो पढ़ाई ही कर रहे हो तो आपको नॉलेज ही मिल रहा है वहाँ पे, तो आप मोमेंटम में भी रहते हो एक तरह से। मोमेंटम वो भी है कि जैसे आपने एक साल पहले गेट लिखी है, आप मोमेंटम में रहोगे। मैं उस पर आऊँगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, लेकिन आपके फेवर में क्या वर्क करेगा कि आपको टाइम मिल जाएगा। 3 घंटे का कॉन्टैक्ट आवर्स है, उसके बाद थोड़ा TA ड्यूटी रहेगा। तो अगर आप वीकली, मैं बोलूँ बताऊँगा, लेकिन वीकली आप 10 से 14 घंटे अगर पढ़ाई कर पाओगे तो आपका हो सकता है, बिल्कुल आराम से हो सकता है। दूसरी चीज़ जो आपके फेवर में वर्क करती है वो लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स। ये चीज़ याद रखना कि जब आप IIT में NIT में हो और आप फिर से प्रिपेयर कर रहे हो तो होशियार होशियार लोग जो लाइक माइंडेड है, जो कुछ नया ऑब्जेक्टिव पाना चाहते हैं गेट देके, ऐसा ग्रुप आप बना सकते हो और उनके साथ शेयरिंग करके, ग्रुप स्टडीज करके भी आपकी प्रिपरेशन बहुत हैसल फ्री हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो एमटेक करते हो आपको मिलेगी वो है रिसोर्सेस एंड लाइब्रेरी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अभी आपको लाइब्रेरी में बैठ के सिर्फ पढ़ना है, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। एट दी एंड ये भी है कि अगर आप किसी टॉपिक में स्टक हो, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, तो किसी BTech के थर्ड ईयर फाइनल ईयर के बच्चे को पकड़ लो, उससे समझ लो, है ना। बताने वाले भी बहुत लोग हैं, डाउट क्लियरिंग के लिए इतने सारे लोग बैठे हैं वहाँ पे, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट में, कि आपका वो वाला चीज़ भला हो जाएगा। उसके बाद जो खाने पीने की टेंशन है, रहने की टेंशन है, वो कुछ नहीं है, है ना। स्टाइपेंड भी आता है आपका, तो रहने खाने की जो चीज़ें हैं, जैसे आप मैस में गए, खाना खा लिया, कोई वो बनाने के लिए टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ा, है ना, ज़्यादा दिमाग को हैसल नहीं है। इसलिए एमटेक करते वक्त एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत चिल टाइप्स हो जाती है। अभी कैसे करनी है, मैं इसके लिए वीडियोस तो बहुत सारे बना चुका हूँ कि एमटेक में लाइफ कैसे होती है, तो उस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हो। मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टाइम चुनना है। मेरे हिसाब से आपने सुबह 1 घंटे, शाम में 1 घंटे स्टार्टिंग में प्रिपेयर करना है। एक दो, मतलब टोटल दिन में 2 घंटा निकालना इज़ नॉट अ बिग डील एक्चुअली। और आपको टेस्ट ज़्यादा लिखनी है। ये ध्यान रखना कि सबसे पहला जो आपका एमटेक का पहला एग्ज़ाम है वो अच्छे से सीरियसली करना। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसी चीज़ें वर्कआउट हो रही है। एमटेक में आपका पॉइंटर मेंटेन करना ही उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर आप गेट की प्रिपरेशन थोड़ा 1 महीना डिले भी करते हो तो आप मोमेंटम में हो, तो आप पकड़ लोगे।
लेकिन एमटेक का पहला एग्जाम अच्छे से सीरियसली देना, उसके बाद आप गेट प्रिपरेशन के लिए थोड़े आवर्स निकालना शुरू कर सकते हो। जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर तक आपने वीकली 10 से 14 घंटे दिए, इसको आप ट्वाइस कर सकते हो सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में थोड़े आपके सब्जेक्ट्स कम होते हैं, कॉन्टैक्ट आवर्स कम होते हैं, एंड यू कैन अफोर्ड टू लाइक स्पेंड मोर टाइम ऑन गेट प्रिपरेशन। ये बात हो गई। और आपको करना है टेस्ट सीरीज, ये बैकअप बहुत बढ़िया बन चुका होता है। अगर आपका अच्छा रैंक आ जाएगा गेट में, तो आप मतलब अगर आप एमटेक कंटिन्यू करना चाहते भी हो तो आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन हो सकते हो टेम्परेरी बेसिस पे, शनिवार रविवार की, जहाँ पे आप अच्छे रैंक के बेसिस पे सिलेक्ट हो गए और आप पढ़ाना शुरू करके एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हो। एक एडिशनल गेट स्कोर रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आपको लगता है कि आई कैन डू बेटर, तो खुद को एज पे रख के आप ये चीज़ कर सकते हो, गेट एग्जाम लिख सकते हो, रैंक ला सकते हो। मैंने भी कुछ भी प्रिपेयर ना करते हुए एमटेक में होते हुए मैंने गेट लिखी थी और मेरा बढ़िया सा रैंक आ गया था, सॉरी अबाउट दैट। तो बहुत बढ़िया से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, कुछ भी चिंता मत करो। तो इससे रिलेटेड और कुछ भी सवाल होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो भी अच्छे कमेंट्स लगेंगे मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। टाटा।